गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नीट बायो बाय प्रीति आनंद। माय नेम इज़ प्रीति आनंद। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियो में स्टोमिक के बारे में बताया था, और अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताऊंगी। मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पहले भी बताया, और थोड़ा बहुत उसमें कुछ स्किप हो गया है, उसी को ऐड कर रही हूँ। ये पूरा मैंने डिटेल से पहले बताया, थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन मैं आज कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चन को अटैच करके जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है वो रिविज़न में हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ आप लोग नीट बायो बाय प्रीति आनंद को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने बोलिए, अपने भाई बहन को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। तो अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करना चाहती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उससे हम छोटी आंत कहते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 6.5 मीटर होती है। इट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला ड्यूडेनम, सेकेंड जेजुनम एंड थर्ड इलियम। पहला ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम जो होता है इट इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये निकटस्थ भाग है छोटी आंत का, जिसकी लेंथ होती है 10 इंच। इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटा और चौड़ा भाग है छोटी आंत का। इट्स अ स्ट्रक्चर इज सी शेप्ड, इसकी जो स्ट्रक्चर, इसकी जो बनावट होती है, संरचना होती है वो सी शेप आकार की होती है। इट रिसीव द फूड फ्रॉम पैलोरिक एंड ऑफ स्टोमिक एंड बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड एम्पुला ऑफ वाटर। ये जो होता है फूड को रिसीव करता है पैलोरिक एंड ऑफ स्टोमिक, जो कि स्टोमिक का भाग है, वो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू एम्पुला ऑफ वाटर में खुलता है। द वाल ऑफ ड्यूडेनम सेक्रेट सो मेनी एंजाइम, जो ड्यूडेनम का वाल होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो सेक्रेट होते हैं। पहला एंजाइम है एंटेरोगैस्ट्रोन एंजाइम, सेकेंड है पैनक्रियोजाइमिन एंजाइम, थर्ड है कोलीसाइटोस्कैनिन एंजाइम। ये सभी जो होते हैं वो रिलीज होते हैं ड्यूडेनम के वॉल से। फोर्थ है ब्रूनर ग्लैंड फाउंड इन ड्यूडेनम, जो ब्रूनर ग्लैंड होता है, ये क्वेश्चन आता है कि ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो ब्रूनर ग्लैंड जो फाउंड होता है वो ड्यूडेनम में फाउंड होता है। अब थोड़ा बहुत इसके हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ड्यूडेनम में। तो हार्मोन रिलीज बाय द वॉल ऑफ ड्यूडेनम, पहला है एंटेरोगैस्ट्रोन और गैस्ट्रिक इनहेबिटरी पेप्टाइड। तो ये जो होता है ये इनहेबिट द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक वंस फूड अराइव एट ड्यूडेनम। ये जो होता है इनहेबिट करता है, वो बाधा डालता है कि सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस वंस फूड अराइव, जब एक बार फूड अराइव हो जाता है ड्यूडेनम में तो दोबारा वो निकलता नहीं है। सेकेंड है सेक्रेटिन, जो होता है वो एक्टिवेटेड द नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। नॉन एंजाइमेटिक मतलब होता है वहाँ पे जो आयन पार्टिकल होते हैं सोडियम पोटेशियम HCO3, वो जो होते हैं ये सब जो होते हैं नॉन आयोनिक पार्टिकल, ये खाने को अल्कलाइन बनाते हैं। थर्ड है पैनक्रियोजाइमिन, पैनक्रियोजाइमिन जो होता है वो एक्टिवेट एंजाइम पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियोजाइमिन से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। फोर्थ है कोलियोसाइटोस्कैनिन, ये जो होता है वो कंट्रैक्ट द गॉल ब्लडर को दबाता है ताकि फूड जो हो वो ज़्यादा अल्कलाइन हो सके। अब हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट जेजुनम में। जेजुनम जो होता है इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 2.5 मीटर होता है। ये मेन साइट ऑफ डाइजेशन होता है। ये इस
इट इज़ कवर थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रो विलाई। ये मेन पार्ट डाइजेशन का होता है और ये कवर होता है विलाई से। विलाई हम कहते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और माइक्रो विलाई जो कहते हैं विलाई के ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो माइक्रो विलाई कहते हैं। और ये दोनों जो होता है वो फूड को एब्जर्ब करता है और ब्लड वेसल में भेजता है। पीएच ऑफ जुजेनम इज 7 to 8, जो कि न्यूट्रल और अल्कलाइन होता है। न्यूमेरियस फोल्ड फाउंड इन टू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम दे फॉर्म द क्रिप्ट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रिप्ट ऑफ लीवर खून। ये जो होता है ये न्यूमेरियस फोल्ड से बनता है जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में फॉर्म करता है क्रिप्ट लाइक स्ट्रक्चर, जो क्रिप्ट तरह का बना हुआ होता है उसे हम क्रिप्ट ऑफ लीवर खून भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस कॉल्ड सकस एंटेरिकस। इसे हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहते हैं, और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट होता है, और इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग सकस एंटेरिकस भी कहते हैं। अब थर्ड पार्ट आ जाता है इलियम। इलियम जो होता है इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये सबसे लंबी पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के, जिसकी लेंथ होती है 3.5 मीटर। इट इज़ मीट फॉर एब्जॉर्प्शन। ये जो इलियम होता है वो मीट फॉर एब्जॉर्प्शन बिकॉज दे हैव मशरूम सेप लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो विलाई का जो सेप होता है वो मशरूम लाइक सेप होता है, जहाँ पर ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इंड अप टू सिकम थ्रो द इलिसिकल वाल्व। इलिसिकल वाल्व जो होता है वो इलियम और सिकम के बीच जो वाल्व बनता है उसे हम इलिसिकम वाल्व कहते हैं। लास्ट है द म्यूकेसा ऑफ इलियम कैरी वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स विच वाज लिम्फेटिक टिश्यू इज नोन एज पेयर पैचेज। लिम्फेटिक टिश्यू हम इसमें कहते हैं जो WBC हमारा बनाता है, और म्यूकेसा ऑफ इलियम जो होता है वो कैरी करता है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, जिसका कोई यूज नहीं है हमारे बॉडी में। अब हम आ जाते हैं इसका थोड़ा शॉर्ट करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो फोल्ड करता है विलाई माइक्रोविलाई विच इंक्रीज द एरिया ऑफ सरफेस एरिया। मतलब जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर विलाई होता है, माइक्रोविलाई होता है, जो कि बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। जो इसकी जो फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया वो 3 टाइम ज़्यादा होती है। इसमें विलाई 10 मीटर होते हैं, माइक्रो विलाई 20 टाइम ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज द सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन अराउंड 600 टाइम, ये 600 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हमारा फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस किया था लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेयर किस किस से बना होता है। डेट इज म्यूकेशा, सब म्यूकेशा, मस्कुलरिसिस, इंटरना एंड सेरोसा। अब इससे रिलेटेड लॉन्ग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि काइम हम किसे कहते हैं। सॉरी, काइम जो है व्हेन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव फॉरवर्ड टू इंटेस्टाइन फॉर कंप्लीट डाइजेशन। जो आधा पचा हुआ भोजन होता है, जो आधा हमारा पार्शियली भी डाइजेस्ट फूड होता है, वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन के लिए। तो ये काइम जो होता है वो हमारी मदद करता है। इट इज़ मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस के साथ ये मिक्स होता है, प्लस चर्न्ड फूड इज इक्वल टू काइम। इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। अब हम इसका व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ड्यूडेनम जेजुनम एंड इलियम। तो ड्यूडेनम जो होता है इट इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम हमारा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ फाइनल डाइजेशन होता है, वेयर द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेसेस। एंड जेजुनम जो होता है वो कनेक्ट करता है ड्यूडेनम को इलियम से, और इलियम जो होता है वो कंटेन विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच हेल्प टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया। इलियम जो होता है वो एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मदद करता है। तो मेन पार्ट इलियम का ही हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो होता है वो विलाई रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, वो वहाँ का सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पिछले वाला जितना प्लेलिस्ट मैंने बनाया है होम पे वीडियो पे, आप लोग जाइए देखिए। सेलेब्री एमालिसिस, डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, HCL, मतलब जितना भी 12 वीडियो बना है, अगर आप लोगों को हेल्प मिल सके तो आप लोग जाके देखिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए।
आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो. सो ठीक है, अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय.